रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे मैंने देखा आपका द होल सिस्टम कि आपने जो आर्टिस्ट बुकिंग, फॉर एन आर्टिस्ट इन इंडिया इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, बिकॉज अगर यू गिव एन आर्टिस्ट अ चांस कि भाई हम आपका सर दर्द संभालते हैं, आप सिर्फ म्यूजिक बजा, कितना फर्क पड़ जाता है। सारी दुनिया में ये होता है और वेरी सक्सेसफुली, इंडिया में ही पता नहीं क्यों इट हैज नेवर बीन। और जिस तरह आपने ये पूरा द होल थिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फॉर्मिंग वन डे अहेड, कॉलिंग इन द मॉर्निंग, एवरीथिंग इन ऑर्डर, मीटिंग द पर्सन एट द एयरपोर्ट, ब्रिंग देम, एवरीथिंग लाइंड अप, ये गाड़ी है, सो आर्टिस्ट इज नॉट थिंकिंग। जैसे बच्चे के जैसे आप ले जाके बैठा के ले जाके वापस ले आते हैं, आई थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ आर म्यूजिक एंड रियली गुड म्यूजिक, इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, एंड आई थिंक यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब, एंड आई होप यू गेट यू मस्ट बी हियरिंग मोर ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज फ्रॉम आर्टिस्ट, दे मस्ट बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट समथिंग कैन बी मैनेज्ड सो सो ब्यूटिफुली, एंड आई रियली विश खैर मुलाकात होती रहेगी, इट विल बी वंडरफुल टू सी दैट। जैसे द होल फील्ड इतना बड़ा हमारा कल्चर है, बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है यार कि दुनिया में हम लोग मानते सब है इंडियन कल्चर, बट प्रेजेंटेशन इज नॉट नाइस। अब यह है कि इस किस्म की चीज अगर हो और उसको खूबसूरती से प्रेजेंट कर सके, देन वी कैन बी वर्ल्ड बीटिंग। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, एब्सोल्यूट ग्रेट टाइम, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग यू गाइस आर डूइंग।